नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई है। नायब सिंह सैनी ने अपने नए मंत्रिमंडल के साथ दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ भी ले ली है और अब आगे किस तरह से हरियाणा में विकास होगा, क्या रोड मैप होगा, ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह से हरियाणा का चुनाव हुआ और जिस तरह की चीजें चुनाव से पहले, चुनाव के बीच और चुनाव के बाद देखने को मिली, उसने सभी को हैरान परेशान किया। चुनाव से पहले जो बीजेपी बिल्कुल बैकफुट पर थी, उसने चुनाव खत्म होते होते यानी कि चुनाव जब नजदीक आया, एकदम से पूरी की पूरी बाजी को रातों रात पलट दिया। जो कांग्रेस कॉन्फिडेंट थी कि वो इस बार यानी कि 10 साल के इंतजार के बाद हरियाणा में सरकार बना लेगी, उसके लिए बड़ा सदमा ये हरियाणा के चुनाव रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के भीतर जिस तरह से चुनाव के दौरान भी आपस में झगड़े चल रहे थे, वो झगड़े अभी भी जारी है, यानी कि जो गुटबाजी है वो खत्म नहीं हो रही है। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो चुनाव अपनी कमियों, अपनी गलतियों की वजह से हारे। अभी भी ईवीएम के ऊपर लगातार ठीकरा फोड़ा जा रहा है। आपको याद होगा कि चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचा था और शिकायत दी थी कि हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराए जाए, क्योंकि ईवीएम की बैटरी के साथ छेड़छाड़ की गई है। इन तमाम 20 की 20 सीटों को लेकर यह तर्क दिया गया था कि यहां की ईवीएम 99% चार्ज थी, जबकि इससे वोटिंग भी हुई है, यानी कि पोलिंग भी इससे हुई है, उसके बाद 99% तक बैटरी चार्ज कैसे रही, जबकि दूसरी जगह पे जो बैटरियां कम चार्ज थी वहां के नतीजे कांग्रेस के फेवर में आए। खैर, इसको लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कुछ सफाई दी गई है और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बाकी के जितने भी तमाम सवाल है उनके सिलसिलेवार वो जवाब भी देंगे। लेकिन इस सब के बीच अब सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है इन तमाम 20 विधानसभाओं में दोबारा से चुनाव कराने को लेकर। इतना ही नहीं, इस याचिका में यह भी मांग की गई थी कि नायब सिंह सैनी, जो कि अपने नए मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेने जा रहे हैं, उन्हें शपथ लेने से भी रोका जाए। खैर, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन याचिका दाखिल कर दी गई है और अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन 20 विधानसभा सीटों को लेकर क्या कुछ रुख, क्या कुछ निर्देश भविष्य में दे सकता है, क्या कुछ यहां से निकलकर आने की संभावना है। अब सभी को यही इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी गई है उस पर आखिरकार क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा। और सुप्रीम कोर्ट में भी यही दलील दी गई है कि जो 20 विधानसभा सीटें थी, यहां पर जो ईवीएम है उसकी बैटरी के साथ छेड़छाड़ की गई थी। लेकिन ये छेड़छाड़ कितनी संभव है, कितनी नहीं, इसकी सफाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से आनी है। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में एंट्री ले चुका है, तो क्या इस बात की जरा सी भी संभावना है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या ये याचिकाकर्ता इस बात को प्रूव कर दे कि इन बैटरियों के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो क्या ऐसे में इन तमाम विधानसभा सीटों में जो कि 20 सीटें हैं एक बार फिर से चुनाव कराए जा सकते हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।